BSOS 185 दृश्यों के माध्यम से समाज चैप्टर नंबर फर्स्ट या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा 1.2 है नृवंश विज्ञान क्या है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। दूसरा जो हमारा रहेगा 1.3 रहेगा नृवंश विज्ञान में फिल्मों और फोटोग्राफी का विकास, यानी नृविज्ञान जो है उसमें फिल्म और फोटोग्राफी का विकास कैसे हुआ है, इन चीज़ों को देखेंगे। और हमारा 1.4 रहेगा इसमें अगर देखेंगे तो हमारा क्या रहेगा, सिद्धांत और फिल्मांकन के तरीके में बदलाव। यानी पहले भैया जो जैसे फिल्में फिल्माई जाती थी या फिल्मांकन जैसे किया जाता था उनमें किस प्रकार से जब बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से चेंज आ रहा, तो ये तीनों पॉइंट जो रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी बहुत हम प्रस्तावना को देख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, सभी समाजों में दृश्य पहलुओं उनकी संस्कृति का एक सार्वभौमिक तथा अभिन्न अंग है। देखो, कोई भी समाज हो, ठीक है, हमारा कोई भी समाज होता है उसमें जो दृश्य होते हैं, यानी जो दृश्य होते हैं, कोई भी भाई चलचित्र है, कोई भी दृश्य यानी कोई भी फोटो है, इमेजेस है, यानी सभी समाजों में जो दृश्य होते हैं उनकी संस्कृतियों का अभिन्न अंग होते हैं। भाई हमारी कोई भी संस्कृति हो, हमारी कोई भी सभ्यता हो, उसमें जो हमारे दृश्य होते हैं वो क्या होते हैं, अभिन्न अंग है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे समकालीन समाज में दृश्य हर जगह मौजूद थे, यानी जो हमारा समकालीन समाज था, पहले का जो समाज था और जो मौजूदा समाज है, हर जगह पर क्या भाई दृश्य, यानी कुछ ना कुछ दृश्य मौजूद ही रहता है। हमारे दैनिक जीवन का जी हिस्सा, यानी दैनिक जीवन में भी हमारा हिस्सा, अगर देखो तो हर जगह कोई ना कोई दृश्य जरूर बनता रहता है, दृश्य रहता ही है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तकनीकी प्रगति के साथ हमारे दृश्यों में नवीनतम रूप देखने को मिला, यानी जैसे जैसे भैया तकनीक बढ़ी है, जैसे मान लीजिए कहीं तुम किसी गाँव में जाओगे, ठीक है, गए हो तो वहाँ पर गांव में बहुत सारे दृश्य हैं, क्या पता बहुत कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, या कोई वहाँ का कोई एक नया नृत्य हो, कोई डांस हो, कोई सभ्यता हो, कोई खान पान हो, कोई पहनावा हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उनको दृश्यों में कैद कर सकते हो, यानी भैया उसकी फ़ोटो खींच सकते हो, उसकी इमेज कर सकते हो, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, दृश्यों में क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है, क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है और वैसे जैसे फिल्में हैं, वीडियो क्लिप आदि इत्यादि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अब जैसे क्या है, मैं बात करूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो खींच लेते हैं, अपना वीडियो बना लेते हैं, हर चीज़ को कर लेते हैं ना, यानी जैसे जैसे तकनीकी का विकास। देखो, ये नृवंश जो विज्ञान है, अगर मेरी तरफ से देखोगे, ये पूरा रिसर्च का टॉपिक है। क्या है भाई, मेरे रिसर्च का टॉपिक, यानी जब कोई जब कोई वैज्ञानिक रिसर्च करने जाता है या शोध करने जाता है, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, जब वो कोई व्यक्ति शोध करने जाता है तो वह अपने शोध में किस प्रकार से दृश्यों को या कह सकते हैं या जो इमेजेज हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, उनको कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है या कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आपको एक काम करना है, आपको कहीं पर चित्रण करना है, ठीक है, आपको कहीं पर बताना है कि भैया कि वहाँ का समाज कैसे है, वहाँ का समाज कैसा नहीं, तो आप उनको फ़ोटो के जरिए भी समझा सकते हो। जैसे आपको मैं दो दृश्य देता हूँ, एक गांव का दृश्य है, एक शहर का दृश्य है, तो आप फोटो के देख करके भी बता सकते हो कि भैया ये गांव का आदमी है, ये शहर का आदमी है, यानी हम देख करके पता लगा सकते हैं उसका खान पान है, पहनावा है, उसके आधार, यानी दृश्यों के माध्यम से, यानी जब दृश्य फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इन सब चीज़ों को जब हम अपने रिसर्च में शामिल करने लगे, सामाजिक संचार माध्यम, जैसे आज सामाजिक संचार माध्यम कैसे हैं भाई मेरे, सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है का विकास के साथ साथ हम पाते हैं कि दृश्य हमारे जीवन में ताने बाने की तरह बन गए, यानी जो अब दृश्य हैं वो क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के रूप में है, जब से हमारे समाज में भी आज कोई व्यक्ति है कि कोई भी अपनी फ़ोटो वीडियो इमेज को तुरंत ही क्या करता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है। आप देखो, ये समाज का पार्ट है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी गतिविधियों की क्या करते हैं, वीडियो बना करके क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, ठीक है, क्लिप डाल देते हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति और पहचान पर असर पड़ता है, यानी अब क्या है, ये कह रहा है कि जो दृश्य है उसके माध्यम से क्या होता है, हमारी संस्कृति और पहचान पर असर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक जीवन में सभी क्षेत्रों में दृश्यों की इतनी व्यापकता है, यानी हमारे
हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें सब हमारे जीवन के जितने भी पहलू सभी में क्या भैया दृश्यों की बहुत ज़्यादा व्यापकता है, यानी दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रंग बसने के कारण वह अनुसंधान में विशेष रूप से नृवंश विज्ञान अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन, यानी हमारे जीवन में जो दृश्य हैं, जो फिल्में हैं, जो फोटो हैं, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या हुआ है रिसर्च में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्या हो गया है रिसर्च, कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी अनुसंधान होता है, उसमें क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान को दृश्यों से अलग करना कठिन है, यानी नृवंश विज्ञान में अगर देखोगे तो उसमें जो दृश्य हैं उनको अलग करना कठिन है। यानी जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम शोध करते हैं, तो हमारे शोध में कोई इमेज है, कोई फोटो है, कोई दृश्य है, हम उस दृश्यों को, हम फोटो को या वीडियो क्लिप को उस अपने रिसर्च का पार्ट कैसे बना सकते हैं, या हमारी रिसर्च में कैसे शामिल हो सकता है, उसको कैसे शामिल, उसी की बात क्या है। यानी अनुसंधान में जो दृश्य होते हैं उनको अलग करना कठिन है। नृवंश विज्ञान में ध्वनियों, शब्दों और संस्कृति अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम में छवियां होना अपरिहार्य है। मान लीजिए आप कहीं पर रिसर्च कर रहे हैं, आप कहीं पर शोध कर रहे हैं, आप जैसे उसमें शोध में भाई ध्वनियाँ हैं, शब्द हैं, संस्कृति है, उसमें के माध्यम से क्या उनमें छवियों का होना अनिवार्य है। जैसे आप किसी शब्द की बात करें, किसी ध्वनि की बात करें, किसी संस्कृति, देखो क्या होता है कई बार आपने देखा कई सारे रिसर्च होती है ना, तो उसमें जब बताया जाता है तो साथ में उसका फ़ोटो भी चलता रहता है। क्या चलता रहता, फ़ोटो भी। अगर आप लोग जैसे पढ़ाई करते हो तो उसमें फ़ोटो भी छपी रहती है ना, जब फोटो छपी रहती है आप सबको ज़्यादा समझ में आता है ना। उसी प्रकार से करें भाई मेरे, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो फ़ोटो हैं, जो चलचित्र हैं, जो वीडियो हैं, उनको हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं या उनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखो, समाज का नृवंश विज्ञान विश्लेषण उन तरीकों से संबंधित है, यानी हमारे समाज में जो नृवंश विज्ञानी हैं वह विश्लेषण के उन तरीकों से संबंधित हैं जिनमें नृवंश विज्ञानी किसी समाज को देखता है और उसका अवलोकन करता है। यानी नृवंश जो विज्ञान है उसमें क्या करता है, जो रिसर्च करने वाला है, जो शोध करने वाला व्यक्ति है, उन तरीकों से संबंधित जो क्या करता है किसी समाज को कैसे देखता है, उसका कैसे अवलोकन करता है। यानी इसमें जो रिसर्चर है वह, जो रिसर्च करने वाला, जो शोध करने वाला व्यक्ति है, वह किसी समाज को कैसे देखता है और किसी समाज का अवलोकन कैसे करता है, वही चीजें यहां पर शामिल है। आंकड़े डाटा की क्या, जो आंकड़े उसको मिलेंगे, जो डाटा मिलेगा उसकी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई, जो जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड रहता है, उसकी क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है, जो उसने कुछ देखा है उसे अवलोकन करने की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जब कोई नृवंश विज्ञानी कहीं पर जाता है, जो डाटा कलेक्ट करेगा, जो देखेगा या जो उसको अनुभव होगा, उन्हीं अनुभवों के आधार पर क्या करता है, वो व्याख्या करता है, उसी का क्या किया जाता है, अवलोकन करने का परिणाम है। नृवंश विज्ञान अवलोकन की इस प्रक्रिया का एक परिणाम, यानी नृवंश विज्ञान का अवलोकन की एक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, नृविज्ञान में सैद्धांतिक विकास के बड़े संदर्भ में अवलोकन को समझाना कठिन है। नृविज्ञान में जो सिद्धांत हैं, यानी इसमें सिद्धांतों का विकास कैसे है, इसका अवलोकन को समझना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अब आता है 1.2। ठीक है, 1.2 में क्या देखेंगे हम, नृवंश विज्ञान क्या है। देखो, नृवंश विज्ञान को पद्धति और संस्कृति और समाज का अनुभव है। नृवंश विज्ञान क्या है, हमारी पद्धति कैसे है, हमारी संस्कृति कैसे है, हमारा समाज कैसे है, या उनका जो अनुभव है उसकी क्या करता है, व्याख्या तथा प्रतिनिधित्व करने का एक उपागम को परिभाषित करता है। यानी नृवंश विज्ञान हमारा समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसे है, हमारी पद्धति कैसे है, उनकी क्या करता है भाई मेरे, व्याख्या करता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करता है, एक उपागम के रूप में परिभाषित भी करता है, जो विभिन्न अनुशासनात्मक एजेंडे तथा सैद्धांतिक सिद्धांतों का साइट को सूचना देता है या उसको सूचित किया जाता है। नृवंश विज्ञान समाज, संस्कृति और व्यक्तियों के बारे में, यानी क्या कह रहे हैं, जो नृवंश विज्ञान क्या है, समाज, संस्कृति और व्यक्तियों के बारे में, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इनका प्रतिनिधित्व करने की एक प्रक्रिया। नृवंश विज्ञान क्या है, समाज है, संस्कृति है, व्यक्ति है, इनके बारे में क्या करता है, इनकी उत्पत्ति या इनका प्रतिनिधित्व करने की एक प्रक्रिया को हम नृवंश विज्ञान कह सकते हैं। यह नृवंश विज्ञानियों द्वारा क्या होता है, यानी जो नृवंश विज्ञानी क्या है, रिसर्चर होते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो शोध करता है, यह नृवंश विज्ञानियों द्वारा अनुभूतित वास्तविकताओं के अनुभव पर आधारित होता है। देखो, नृवंश जो विज्ञानी, जो भाई मेरे एक समझ लो, जो नृवंश विज्ञान में जो शोध किया जाता है ना, इसमें जो रिसर्च करने वाला ना, वो स्वयं भी शोध में शामिल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए जैसे तुमको गरीबी पर शोध करना है, मतलब तुमको शोध करना है भैया गरीबी कैसे होती है, गरीब आदमी कैसे रहता है, उस पर शोध करना, तो तुम क्या करोगे,
उसका वास्तविक भी अनुभव करोगे। भैया जैसे मान लो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं कि गरीब कैसा है, गरीबी का कई, तो पहला शोध हो सकता है भाई मेरे कि जैसे आपको शोध करना है कि गरीब कैसे हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर लो, उसके आधार पे आप उनका चीज़ों को बता दो। लेकिन एक और चीज़ होती है कि आप उस शोध में शामिल, यानी आप स्वयं गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ पर रहो या गरीबी का अनुभव करें, या मान लो आपको शोध करो कि भिखारी की समस्याएँ क्या हैं, तो भिखारी की समस्या पर शोध करने के लिए आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप स्वयं भिखारी बन करके, यानी स्वयं भिखारी बन करके अगर आप भीख मांगेंगे तो यानी आपको वास्तविक अनुभव पर एक प्रक्रिया आ सकती है। यानी नृवंश विज्ञान में जो रिसर्चर है वह स्वयं सभी चीज़ों को क्या करता है, अनुभव करता है। यानी नृवंश विज्ञान में अगर देखोगे जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति है वो क्या करेगा, सारे अनुभवों को क्या करता है, स्वयं ही क्या करता है, उसका अनुभव करता है जो उसके माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। सभी नृवंश विज्ञानी किसी न किसी अर्थ में दृश्य होते हैं, यानी सभी जो नृवंश विज्ञानी होते हैं वो जितने भी चीज़ों का शोध करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है भाई मेरे, दृश्य जरूर मौजूद होता है। यानी कुछ फोटो रहेगी, कुछ इमेजेज रहेंगी, जो कुछ वीडियो रहेंगे इनका जरूर, यानी जब हम अपने शोध में, जब हम अपने रिसर्च में जो शोध करते हैं, जो सोशल साइंस कह सकते हैं, यानी जो यहाँ पर अगर देखोगे ठीक है, जो समाज शास्त्र में यानी सोशोलॉजी में जिसे कहते हैं, सोशोलॉजी में जितने शोध हो रहे हैं, जितने रिसर्च, उसमें कहीं कहीं क्या होता है, जो दृश्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिकता जैसे चेहरे के हाव भाव हैं या हाव भाव या स्थानिक व्यवहार है कि पहलुओं का अध्ययन करना का गठन करता है। जैसे मान लो कि दृश्यों के माध्यम से हम किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, स्थानिक व्यवहार कैसा है, या इन सभी चीज़ों का गठन कर सकता है। मान लो कि तुम्हें दो तस्वीर है ठीक है, चेहरे के हाव भाव से कैसे, आपने सबने देखा होगा ना कि भाई चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता कि कोई आदमी खुश है, कोई आदमी नाराज है, हाव भाव से पता चल जाता ना। जैसे मैंने आपको बताया हाव भाव से कैसे पता, हाव भाव से पता चल सकता कि भाई जैसे गाँव का व्यक्ति है, शहर का व्यक्ति पता चल जाएगा। जैसे हाव भाव से कई बार ये पता चल जाता कोई खुश है या नाराज है, यह समाज में फ़ोटो देख करके सिंपल सा, जैसे मैं बताऊं एक बच्चा है ठीक है, एक लड़की है, उसका फ़ोटो है, लड़की फ़ोटो में रो रही है ठीक है, रो रही है। अगर उसके हम कारणों की व्याख्या करें तो भाई कोई बताएगा कि लड़की को भूख लगी इसलिए बच्ची रो रही है, कोई बताएगा कि बच्ची डर के मारे रही होगी, या कोई अन्य कारण भी बता सकता है। यानी हम जब दृश्यों के माध्यम से समाज को समझने का काम करते हैं, या दृश्यों के माध्यम से हम परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको बताऊं एक दो फोटो देता हूं, एक गांव की फ़ोटो है, एक शहर की फ़ोटो है, तो आप उसमें देख करके बता दोगे कि भैया एक गांव की फ़ोटो है, एक शहर की फ़ोटो है। इसी आधार पर कई लोग क्या कर देते हैं, बता भी देते हैं कौन सी गाँव की फ़ोटो है, कौन सी शहर की फ़ोटो है, कैसी उसकी भी क्या कर देते हैं, वो चीज़ों को बताते रहते हैं ठीक है। यानी संस्कृति हो, चेहरे के हाव भाव, हाव हो या भाव हो, स्थानिक पहलू, इन सभी के दृश्यों का गठन करना क्या होता है कि दृश्यों में, इसमें बहुत दृश्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दृश्यों में जो हम देखते हैं वह नहीं होता। कई बार भाई मेरे जो हम देखते हैं, कई बार बोला जाता आप सबने देखा होगा कि जो दिखता है जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं दिखता होता है। दृश्यों में जो हम देखते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कह रहे हैं दृश्यों में हम जो देख रहे हैं ऐसा कोई जरूरी वही होता है, बल्कि वह होता है जो हम देख नहीं पाते। कई बार क्या होता है ऐसी चीज़ें होती जिन्हें हम क्या होता है देख नहीं पाते हैं। आज हमारे समाज में जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का इतना बड़ा ध्यान है, यानी अगर देखोगे आज हमारे दिन प्रतिदिन क्या है, दिनचर्या में इतना बड़ा भाग है किंतु हम देख नहीं पाते। कई आज देखोगे जो इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। मान लो आप किसी को फॉलो करते हो ठीक है, जब मान लो आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो क्या उसकी सारी चीज़ों को, पहलुओं को आप देख पाएंगे दृश्य के माध्यम से, नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए जेंडर असमानता का मुद्दा, घरेलू श्रम विभाजन, लिंग में लिंग का दुणिक भूमि, यानी लैंगिकता, विषमलैंगी को सीमित करना, क्या हमारे समाज में जो लैंगिकता है वो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है ठीक है, नहीं दिखाई देती है। जेंडर दिखाई देता, घरेलू श्रम विभाजन कहीं दिखाई देता, यानी अगर मैं बात करूँ हमारे समाज में जिस तरह से जेंडर असमानता का मुद्दा है, जिस तरह से हमारे समाज में लड़का और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, वो हमें दिखाई देता, नहीं दिखाई देता भाई। जिस प्रकार से आप, मैं बोलूं जैसे इसमें विषम लैंगिकता है वो भी हमें समाज में नहीं दिखाई देती है, या उस प्रकार से हम उसको चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं ठीक है। क्या आज के 500 साल के पहले चीज़ों को हम देख पाएंगे, नहीं देख पाते हैं। ये कई प्रकार हम समाज में क्या दृश्यों को देख पाते हैं, यानी अगर मैं कहूँ क्या जैसे विषमलैंगी का मतलब होता है कि एक लड़की और लड़का
जिसकी शादी, उनकी जो लाइफ है, क्या आप उनके हर एक पहलुओं को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्या समाज जो हमारा जैसे दिखाई देता है, क्या हम दृश्यों के माध्यम से समाज के सभी पहलुओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की फ़ोटो को देख करके हम जरूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति हमें मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। क्या वो मुस्कुराहट, क्या हमेशा वो मुस्कुराता ही रहता है? उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। यानी हम दृश्यों के माध्यम से सभी चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। विषम लैंगिकता एक विश्वास है जो सोच रही संरचना में महिला पुरुष के बीच यौन संबंधों को यौन अभिन्यास समाज को अन्य व्यवहार के रूप में दे, यानी सभी लिंगियों को छोड़कर के पुरुष और महिलाओं के जेंडर के उद्योविंग को भी मानता है। अगर मैं बात करूँ जिस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है, महिलाएं घर पर काम करती हैं, जेंडर असमानता है, महिलाओं को उतने अधिकार मौके नहीं दिए जाते हैं, क्या पहले, आज के बहुत साल पहले क्या वो दिखाई देता था? अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, आज के 200 साल पहले या 300 साल पहले अंग्रेजों के आने से पहले क्या भारत में जो महिलाओं के मुद्दे थे, जो इश्यू थे, इतने बड़े मुद्दा कभी बना? महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिले, क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना। क्योंकि आज जो हमें दिखाई देता है वो कई बार जो चीज़ें होती हमें दिखाई नहीं देती। आज से बहुत समय पहले माना जाता कि जो महिलाएं थी भैया वो चूल्हा चौका बर्तन करेंगी, माना जाता था ना कि जो लड़की, अगर लड़की होगी तो चूल्हा करेगी, चौका करेगी, बर्तन करेगी, यहीं तक उसका जीवन समर्पित है। यानी उसका काम क्या है? घर वालों की सेवा करना। क्या काम है? घर वालों की सेवा करना का काम है उसका। क्या है काम है? वो घर वालों की क्या करेगी? सेवा करेगी, उसका कर्तव्य था। लेकिन आज अगर कोई अपनी लड़की को कहता कि लड़की भाई घर की काम करने के लिए बनी है, तो उसका लोग काफ़ी लोग विरोध कर देंगे। क्या है, पहले वो हमारे समाज में नहीं दिखाई देता था ना, नहीं दिखता था ना, था तब भी ना, महिलाएं तब भी काम करती थी। लेकिन अब वो चीज़ क्या है? जागरूकता हो गई। यानी समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम विश्लेषण मात्र दृश्यों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये लिखने वाली बातें हैं। ऐसी चीज़ों को साथ में लिखते चलिए, ठीक है, नहीं तो बीच में भूल जाओगे सब, ठीक है। वही यानी उसमें दिखाएं, ये समाज, ये मुद्दे समाज में तब तक दृष्टिगत नहीं थे जब तक नारीवादी आंदोलन और लैंगिकता से जुड़े आंदोलनों के बाहर से हमारा इनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। अगर महिलाओं की जो समस्या, अगर सुनो, हमारे समाज में जो महिलाओं की समस्या है, क्या हम मात्र फोटो के माध्यम से हमने समाज में समझ पाए कि महिलाओं की समस्या है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहिए? जब महिलाओं ने आंदोलन किए, भाई हम क्यों घर में दबे रहें, क्यों हम घर की चार दीवारी में रहें, जब उन्होंने आंदोलन किया तब उनको बराबरी का अधिकार दिया जाता है, तब उनको जाकर के इतने सारे राइट मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। उससे पहले क्या उनको मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। समाज में वो चीज़ें मौजूद थी ना, थी मैं मौजूद, लेकिन उनको क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो चीज़ें हम देख नहीं पा रहे थे, वो समाज में दिख नहीं रही थी। यही कहा जा रहा है कि समाज में अगर हम समाज को मात्र दृश्यों के माध्यम से समझेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझ नहीं पाएंगे। मात्र अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा हूँ कि अगर मात्र आप सिर्फ दृश्यों के माध्यम से समाज की अगर व्याख्या करेंगे तो व्याख्या सही सटीक नहीं कर पाएंगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भाई मेरे फोटो में कैद नहीं होती हैं, जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन समाज में वो फैली पड़ी हैं, या समाज उनको छिपा लेता है या नहीं बताता है। क्या मैं सिंपल सी बात करूँ, जो व्यक्ति फोटो खींचता है उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा क्या 24 घंटे वैसे हंसता रहता है? नहीं हंसता रहता है। क्या जो लोग फिल्में में बड़ी खुश दिखाई देते हैं, उनकी खुशहाल ज़िंदगी है, क्या उनके जीवन में ऐसे ही बना हुआ? क्या उनके जीवन में कोई दुख और गम नहीं है? क्या है ना, सबके जीवन में दुख गम। तो वही बताया जा रहा है कि मात्र दृश्यों को देख करके ही रिसर्च करना सही नहीं होगा, अनुसंधान आपका सही नहीं जाएगा। क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। दृश्यगत समाज में सत्ता के मुद्दों को साथ निकटता, यानी दृश्यगत जो समाज होता है वह लगभग सत्ता के साथ निकटता उसकी जुड़ी रही है। अगर हम बात करें जो हमारा समाज है वह दृश्यगत समाज को अगर देखो तो हमेशा सत्ता के साथ उसकी निकटता रही है। मापदंड दृश्यमान और सीमान दृश्य हैं। शोधकर्ता में संस्कृति के दृश्यमान हैं अदृश्य जैसे पहलुओं पर। कलाकृति रोजमर्रा की प्रथा अनुष्ठान को देखता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शोध करने जाता है, अगर कोई रिसर्च करने जाता है, तो क्या जैसे किसी कोई संस्कृति कैसे है, कलाकृति कैसे है, रोजमर्रा की प्रथाएँ कैसे है, अनुष्ठान कैसे, उन चीज़ों को देख सकता है। क्या कर सकता है? उन चीज़ों को देख सकता है। कई सारी चीज़ों को आप दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं, भैया कहीं की पूर्व पूजा कैसे होती, कहीं पर कहीं पूजा पाठ कैसे होता है, प्रथाएं कैसे हैं, उनकी कलाकृतियां कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को हम दृश्यों के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। संस्कृति को देखने में आसानी मिलती है।
और अवलोकन करने में हमें मदद कर, कभी कभी पाठ्यक्रम में, कभी कभी तस्वीरों के माध्यम से, कभी फिल्मांकन, यानी हम कह सकते हैं कि हम दृश्यों के माध्यम से कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे रोज़मर्रा की प्रथा कैसी है, संस्कृति कैसे है, सभ्यता कैसे है, यह संस्कृति को देखने के लिए हम अवलोकन करने के लिए हम क्या कभी कभी जो पाठ्यक्रम होता है, जो तस्वीरें होती हैं उसमें कभी कभी फिल्म संकलन भी हो सकता है। यानी हमें जब हम आकलन करने जाएँ, जब हम अपना शोध करने जाएँ, तो हम किसी चीज़ को समझने के लिए दृश्यों का सहारा ले सकते हैं, इमेजेस का सहारा लिया जा सकता है, जो दृश्य है उनका सहारा जरूर लिया जा सकता है। अगला जो आपका रहेगा प्रौद्योगिकी की भूमिका। जैसे जैसे तकनीकी विकसित हुई है, कैमरे हल्के होते गए और फिल्मांकन और फोटो खींचने की प्रथा ने जोर पकड़ा है। भाई पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको मान लो, सिंपल से समझो मेरी बात को, मान लो आपको शोध करने जाना है, कहाँ पर जाना है, आदिवासी इलाके में जाना है कि भैया आदिवासी लोग कैसा रहता है, तो आदिवासी लोग कैसा रहता है, तो क्या आप जब शोध करने जाओगे तो बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करके लाओगे, भैया दिखाओगे ना कि आदिवासी ऐसे रहता है, आदिवासी ऐसा रहता है। यानी यही बात की जा रही है कि अगर आपको कहीं पर शोध करने जाना है तो उस शोध में आप किस प्रकार से फ़ोटो को ऐड करेंगे, या आप किसी चीज़ को समझाने के लिए फ़ोटो वीडियो कैसे यूज कर सकते हैं। जब आपने देखा, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जो पहले भाई मेरे कैमरे थे, बहुत वजनदार कैमरे आते थे, आप सबको पता होगा, आज के 20-25 साल, 30-35 साल पहले जो कैमरे होता था बहुत वजनदार होता था, दूसरा बहुत महंगा होता था, ठीक है। और फोटो और धीरे धीरे जैसे क्या होता, कैमरे हल्के होते गए, जैसे टेक्नोलॉजी आई, कैमरे छोटे होते गए, हल्के होते गए, सस्ते हो गए, यानी अब फोटो खींचने की जो प्रथा ने जोर पकड़ लिया। आरंभ में कैमरे और रील भारी और महंगे होते थे, शुरू में क्या होता था, रील चलती थी, पहले आप सबने कैमरे वैमरे देखा होगा तो उसमें रील होती थी, देखो जो फोटो खिंचाने जाते थे क्या होता था, फोटो खिंचवा के आओ, 15-20 दिन के बाद फोटो मिलती थी, तो क्या धुलाई उलाई के लिए जाती थी। पहले जो फोटो खींचना था, जो रील होती थी, वो बहुत महंगे होते थे, और पहले आवाज़ों को भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था, हम जो वॉइस है, ठीक है, जो वॉइस है या उसको हम क्या कर सकते थे, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। एग्जांपल के तौर बताऊं, मान लो आप किसी जंगल में गए हैं, जंगल में पशु पक्षियों की आवाज़ कैसे है, अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपको शोध ही करना है कि शेर कैसे दहाड़ता है, शेर कैसे दहाड़ता है, तो आप भैया वीडियो की सहारा ले सकते हैं, वीडियो लगा दीजिए, शेर आएगा दहाड़ेगा, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, या आप शेर कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके जरिए आप शोध कर सकते हैं। या आप किसी समाज में जाते हैं, कि आप कहीं पर जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, तो हर चीज़ को आप लिखेंगे नहीं, बल्कि जैसे आप कोई शोध करता है ना, तो फोटो के माध्यम से बताता है ना, कि फोटो के माध्यम जैसे बता के आदिवासी कैसे हैं, मान लो लिख दिया आप आदिवासी कैसे, लेकिन अगर उनका फ़ोटो लगा दोगे तो लोग अच्छे समझ लेंगे। आदिवासियों पूजा पाठ कैसे करते हैं, आदिवासियों में शादियां कैसे होती हैं, यानी आप कहीं पर भी अगर शोध कर रहे हैं तो उनका अगर फ़ोटो लगा के शोध कर रहे हैं, फ़ोटो का चलचित्रों का अगर यूज रहा, वीडियो का यूज रहा, फ़ोटो का यूज रहा, वही नृवंश विज्ञान है, वही हम चीज़ों यहीं पर पढ़ने जा रहे हैं। यानी शोध में हम दृश्यों, यानी समझो इस बात को, पूरी बुक को मैं बता रहा हूँ, पूरी बुक ये कह रही है कि आप समाज को समझने के लिए फ़ोटो का यूज कैसे कर सकते हैं, दृश्य के माध्यम से हम समाज को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरी एग्जांपल देखिए, कि जैसे फिल्मों में आप सबने देखा होगा कि फिल्में बहुत सारी आप सबने देखी, जो नाटक वाटक आते हैं, जो टीवी से चलाते हैं, उसमें देखा होगा, अगर कोई गांव का करेक्टर करना होता है, सुना होगा आप सबने, कोई गांव का अगर करेक्टर होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे, उसका पहनावा कैसे होता, धोती कुर्ता पहनेगा या कुर्ता पजामा पहनेगा, इस प्रकार के उसका पहनावा होता है। गाँव का आदमी अगर उनको दिखाना है तो इस प्रकार से दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं बताओ, कि गाँव के लोग वैसे दिखाई देते हैं, यही एक प्रकार से उनका मापदंड ऐसे बनेगा, गांव का आदमी होगा तो ऐसे होगा। जैसे अगर मान लो फिल्मों को दिखाना कि भाई किसान है, किसान क्या गरीब ही है क्या, उनको अगर दिखाना होता, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, इससे पहले जितने लोगों ने रिसर्च की, जो शोध किया है, वो उस प्रकार से उन्होंने मापदंड बना दिए कि किसान ऐसा है या किसान ऐसा दिखाई देता है। तो यानी जब हम दृश्यों के माध्यम से किसी चीज़ को, दृश्यों के माध्यम से यानी फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम अपने समाज को समझ रहे हैं, वही यहाँ पर पूरी बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, देखो पहले आवाज़ को रिकॉर्ड करना बहुत महंगा था, पहले जो कैमरे थे वो भारी, बहुत भारी थे, बहुत महंगे होते थे, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो जाते, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, कैमरों ने दृश्य और आवाज़ों को दोनों, अब जैसे अब तो कैमरा क्या था, अब कैमरा फोटो भी
वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। आपने देखा जो कैमरे होते हैं आप तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले कैमरे क्या होते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे यानी फ़ोटो खींच लेते थे, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी। आज तो मोबाइल आ गया है तो अब तो और भी आसान हो गया है दृश्यों को खींचना, ठीक है। तकनीकी के विकास ने कैमरों और दृश्यों और आवाज़ को दोनों रिकॉर्ड कर दिया। अंकन यानी डिजिटल जो कैमरे आते हैं, उनमें रिकॉर्डिंग के अधिक सुलभ और किफ़ायती बने। अब तो जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो गए, यानी अब जो फ़ोटो खींचना वीडियो खींचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसने नृवंश विज्ञान में के विषय में नृवंश विज्ञान में योगदान दिया, यानी जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है वैसे जो नृवंश विज्ञान है यानी जब हम शोध करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, जो हम उसमें फ़ोटो का वीडियो का जो यूज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। आज हम जब नृवंश विज्ञान की बात करते हैं तो उसे व्यापक रूप से नृवंश विज्ञान की संबंधित छवियाँ नृवंश विज्ञान में फिल्मों के संदर्भ में समझा जा सकता है। आज जो फिल्में हैं, जो वीडियो है, जो सारी चीज़ें बन रही हैं उनके माध्यम से क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और बेहतर समझा जा सकता है। यानी भाई मेरे, आज जब रिसर्च की जाती है, जब शोध किया जाता है, अगर उसमें फ़ोटो का वीडियो का अगर यूज करना है तो आज ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आज फ़ोटो लेना आसान है, आवाज़ रिकॉर्ड करना आसान है, वीडियो बनाना आसान है। पहले आसान नहीं था, मुश्किल था, अरे कैमरा बहुत भारी होता था, उठता ही नहीं था, महंगाई इतनी थी भाई कोई मैनेज नहीं कर सकता था, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा होती थी। आपने मोबाइल देखा, शुरू शुरू में जो मोबाइल आते थे कितने महंगे आते थे, बहुत भारी आते थे ना, देखा होगा कितने भारी भारी मोबाइल थे। आज क्या, आज तो मोबाइल का कुछ है नहीं। यानी टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे नृवंश विज्ञान जो है उसमें जो रिसर्च है, जो शोध है, वह आसान हो गई है तकनीकी के कारण। क्योंकि अब फोटो वीडियो इनको करना बहुत आसान है, पहले बहुत पैसा खर्चा होता था, बहुत भारी होते थे। जैसे फोटो, जैसे रील बनाओ तो रील कई दिन में उसकी धुलाई करके आती थी, ठीक है। अब क्या है जो नृवंश विज्ञान बनाता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे हम नृवंश विज्ञान में शामिल कर सकते हैं। ध्यान दें, लोग लंबे समय से जो तस्वीरें ले रहे हैं और व्यक्तिगत घरेलू होम वीडियो बना रहे हैं, क्या इन चित्रों और फिल्मों से भी नृवंश विज्ञान है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना फ़ोटो खींचता रहता है, देखा होगा ना, हर कोई अपना फ़ोटो खींचता है, हर कोई अपना वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, कहीं कोई डाल रहा है। क्या वो सारे नृवंश विज्ञान के रिसर्चर हैं? क्या वो सोशल साइंस में समाज का रिसर्च कर रहे हैं? क्या इसलिए है, क्या उनको हम मान सकते हैं? क्या उनकी जो फ़ोटो है, जो वीडियो है, वह रिसर्च में क्या उनका पार्ट हो सकता है, क्या उनका सहयोग लिया जा सकता है रिसर्च में? अब हम इन बातों को देखते हैं। यानी लोग लंबे समय से अपनी तस्वीरें ले रहे हैं, व्यक्तिगत घरेलू होम वीडियो बना रहे हैं, क्या ये जो चित्र होते हैं, जो फिल्में हैं, इनको नृवंश विज्ञानी हैं? क्या व्यक्ति चित्र को भी नृवंश विज्ञानी माना जा सकता है? क्या हम नृवंश विज्ञान संबंधी फिल्मों, तस्वीरों से संबंधित अपनी समझ को मानव विज्ञानी द्वारा बनाई गई तस्वीरों को तक ही सीमित रख सकते हैं? यानी कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो जिन तस्वीरों को लेकर के आते हैं, क्या वही नृवंश विज्ञानी है? कि जो आम लोग हैं, आम लोग देखा होगा बहुत सारा लोग अपना फोटो वोटो बनाता रहता, वीडियो बनाता रहता, फोटो खींच करके लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मोबाइल में रख रहे हैं, क्या सारे जो कर रहे हैं वो रिसर्च में उनका यूज हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या वो सारे नृवंश विज्ञानी हैं या नहीं है, ये बात पूछी कही जा रही है, ठीक है। आगे देखो, हीडर और पिंक के अनुसार अगर देखोगे, एथनोग्राफी एक निरपेक्ष शब्द है, यानी जो एथनोग्राफी है यानी जो नृवंश विज्ञान है वो क्या है, निरपेक्ष शब्द है, वो भेदभाव नहीं करता है। क्या कह रहे हैं, वो निरपेक्ष शब्द यानी भेदभाव नहीं करता है, इसे किसी भी छवि या फिल्म के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भाई मेरे, कह रहे हैं कि अगर आप नृवंश विज्ञान में रिसर्च कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं तो आप उसमें किसी भी छवि या किसी भी फिल्म का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वो क्या है, निरपेक्ष है। ये नहीं कहता कि बाकायदा कोई वैज्ञानिक होगा उसके द्वारा फोटो ले रहेगी हम उसी को मानेंगे या उसी को ऐड करेंगे, बल्कि सामान्य मनुष्य ने जो भी फोटो की, जैसे मान लो कि अगर आपको शोध करना है, सिंपल सा मेरा एग्जांपल समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो तुमको शोध करना है चीन में लोग कैसे रहते हैं, चीन में लोगों की संस्कृति कैसे है, कल्चर कैसा है, पहनावा कैसा है, खानपान कैसा है। इसके लिए कोई तो जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और फोटो वोटो खींच करके लाओगे और तब जाके शोध करोगे। आप सोशल मीडिया पर जो वीडियो पढ़ी हैं, जो क्लिप पढ़ी हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। यानी जैसे आपको चीन का, भाई चीन का अगर आपको करना है तो अगर आप चीन पर शोध करना है तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको चीन पर जाना पड़ेगा, चीन में जाना पड़ेगा तभी जा करके वहाँ पर फोटो वीडियो खींचोगे तभी आप शोध कर पाओगे। बल्कि मान लो कि चीन के लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, जो फोटो इमेजेज वो डाल रहे हैं, आप उनका भी प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है।
व्यक्तिगत तस्वीरें, घरेलू होम वीडियो, व्यक्ति चित्र, फिल्में और नृवंश विज्ञान में अन्य लोगों द्वारा खींचे गए शूट तस्वीरों का प्रयोग समाज और संस्कृति को समझने के लिए किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि भैया आज जो अब सभी व्यक्ति अपना फ़ोटो खींचता रहता, हर कोई अपना फ़ोटो खींचता रहता, ऐसा कोई है नहीं जिसने अपनी फ़ोटो मोबाइल में ना खींची हो, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग अपना वीडियो बनाते हैं, व्यक्ति चित्र बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, इनके द्वारा जो तस्वीरें ली जाती हैं, जो फ़ोटो लिए जाते हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समाज और संस्कृति के समझने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आज जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो फ़ोटो पड़े हैं, जो वीडियो पड़े हैं, उसके जरिए हम मानव समाज की संस्कृति और मानव समाज कैसे है उसके विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद ले सकते हैं। एक ही दृश्य की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की जा सकती है। एक ही दृष्टिकोण की व्याख्या, कह रहे हैं कि एक ही फ़ोटो अगर होगी उसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती, कैसे की जाएगी। एग्जाम्पल तो जैसे मैंने बताया था, मान लो कि एक फ़ोटो है, फ़ोटो में एक लड़की रो रही है, आप 10 लोगों को फ़ोटो दिखाओ। क्या मैंने बोला, एक फ़ोटो है जिसमें एक बच्ची है, 10 साल की बच्ची, 12 साल की, कुछ भी मान लीजिए, फ़ोटो में रो रही है, लोगों को फ़ोटो दिखाओ बच्ची क्यों रो रही है, तो लोग क्या बताएंगे? कोई बताएगा कि बच्ची को भूख लग गई है, लगता है इसलिए रो रही है। कोई बताएगा ये शायद अपनी मम्मी पापा को याद कर रही है। कोई बताएगा ये छूट गई और डर गई होगी इसलिए रो रही है। यानी लोग जो होगा, यानी जो दृश्य होते हैं उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, ठीक है, अलग अलग व्याख्या करेगा, ठीक है। यानी जो दृश्य होते हैं, एक ही दृश्य की व्याख्या क्या होती है, अलग अलग दृष्टिकोणों से की जा सकती है। वह मेल खाते हैं, मेल नहीं भी खा सकते हैं एक दूसरे से। कई बार जो व्याख्या होती है भैया, एक आदमी के विचार दूसरे आदमी से मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, डिफरेंस। केवल उसी संदर्भ में दृश्य की व्याख्या महत्व रखता है जिसमें वह स्थिर है। यानी दृश्य की स्थिति वैसे बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वह स्थिर है। निम्नलिखित अनुभागों में हम नृवंश विज्ञान द्वारा नृवंश विज्ञान में फिल्मों और तस्वीरों में योगदान को परिवर्तन को देखेंगे। यानी क्या जो नृवंश जो विज्ञान है उसमें जो नृवंश विज्ञान में फिल्मों और तस्वीरों का उपयोग कैसे किया, उसका विकास कैसे रहा या परिवर्तन कैसे रहा, इन चीज़ों को अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर बुक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, नृवंश विज्ञान में फिल्मों और फोटोग्राफी का विकास कैसे रहा। देखो भाई मेरे, समझो मेरी बात को, ये जो बुक है हम ना, रिसर्च है, शोध है, जो रिसर्च होती है, जो शोध होता है, क्या हमारे जो फ़ोटो होते हैं, जो वीडियो होते हैं, जो क्लिपिंग होती हैं, क्या सामाजिक समाज में जब हम शोध करते हैं समाज को समझने के लिए, क्या हम इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, क्या इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, इसी पर पूरी बुक चलेगी। इसी पर पूरे इसमें जो 9 या 9-10 चैप्टर हैं सारे इसी पर चलेंगे, ठीक है। आगे सुनिएगा, नृवंश विज्ञान के अध्ययन के लिए छवियों और फिल्मों, ठीक है। हल देखो, अगला जो हमारा रहेगा, नृवंश विज्ञान के अध्ययन के लिए छवियों और फिल्मों का उपयोग मानव विज्ञानियों के लिए बीच। पहले क्या था कि जो नृवंश विज्ञान में अध्ययन होता था, पहले क्या था, जो फिल्में होती थी, जो फ़ोटो होते थे, जो वीडियो होते थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। क्या कह रहे हैं, पहले जो था नृवंश विज्ञान में क्या था, जो फ़ोटो होती थी, जो वीडियो होते थे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। नहीं, पहले जब शुरू में नृवंश विज्ञान की शुरुआत हुई भाई मेरे, तो उस टाइम पर क्या था, जो फ़ोटो थे, जो वीडियो थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, ठीक है। बिन लिंसवा अगर देखोगे, जैसे मानव विज्ञानियों ने जो सबसे पहले कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्क करने वालों में से एक थे, उन्होंने मोनोग्राफ में तस्वीरें ली, लेकिन उनका विश्लेषण या उन पर टिप्पणी नहीं की थी। नृवंश विज्ञानी व्याख्यान शब्दों का उपयोग तक ही सीमित थे, छवियों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था या अक्सर उनकी उपेक्षा की जाती। यानी जब पहले नृवंश विज्ञान था तो उसमें फ़ोटो और जो वीडियो होते हैं उनका प्रयोग शोध में या रिसर्च में प्रयोग नहीं किया जाता था, यह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। सबसे पहले देखोगे तो नृवंश विज्ञानियों ने जब फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क समझते हो, देखो ऐसा होता है कि जब हम शोध करने जाते हैं तो हम डायरेक्ट जिस चीज़ पर शोध कर रहे हैं वहीं पर जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको आदिवासियों के ऊपर शोध करना है, ठीक है, आदिवासी आदमी कैसा रहता है शोध करना है, तो आप लोग दिल्ली में बैठकर शोध ना करें, बल्कि आदिवासी इलाकों में जाएं, वहां पर उतरें, मैदान में जाएं,
मैदान का मतलब होता है, कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर आप आदिवासियों पर शोध कर रहे हैं, अगर आप आदिवासियों पर रिसर्च कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उसी को बोला जाएगा फील्ड वर्क में उतरना पड़ता था। पहले क्या होता था नृवंश विज्ञान में, क्या होता था भाई मेरे, कि जो फोटो होते थे, जो वीडियो होते थे, उनको समाज के यानी जो दृश्य होते थे उनको समाज के उसको चीज़ों को समझने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले प्रयोग नहीं होता था, या कह सकते थे जो नृवंश विज्ञानी थे उनमें ये फोटो और वीडियो का जो प्रयोग था वह फेमस नहीं था या बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था, या कह सकती बहुत महंगाई रही होगी, या फोटो या वीडियो बनाना बहुत महंगा था, बहुत भारी थे, इस कारण से उनमें बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहा शुरुआत में। ठीक है, इनकी उपेक्षा की जाती थी, फोटो वोटो से क्या तुम समझ पाओगे, यानी वो लोग कहीं पर अगर जाते थे तो व्यक्ति कैसा है तुरंत तो लिख लेता था, क्या कर लेता था, उनका जो व्याख्यान था वह लगभग उन पर क्या था, वो व्याख्यान में सीमित थे, यानी सिर्फ शब्दों की व्याख्या करते थे, यानी लिख लेता था पांचवी पन्ने पर। मान लो कि जैसे तुम आदिवासी इलाके में गए हो, शोध करने गए हो, तुम्हें अगर कुछ चीज़ दिख रहा है तो फोटो खींच लो, फोटो खींचने के बाद उसकी व्याख्या कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम शोध कर रहे हो, तुम देख रहे हो, जैसे तुमने देखा है आदिवासी लोगों का शादी होता है, शादी में ये होता है, ये होता है, लेकिन जब तुमने फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो देख करके उसकी व्याख्या कर लोगे ना। पहले क्या होता था, लोग जैसे कहीं पर जाते थे वहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसे है तो लिख कर लाता था। जैसे कोई महिला अगर मान लो पानी भरने जा रही, सर पे मटका लेकर जा रही है, तो लोग क्या करते थे, लिखते थे कि एक महिला जा रही थी, मैं गया तो महिला सर पर पानी का मटका भर के लेकर जा रही थी, कैसे जैसे जा रही थी और पानी उसमें छलक रहा था, उसको लिखेंगे पूरा। लेकिन अब क्या है, अब अगर उनको शोध करना, कहीं पर शोध करने गए हैं तो उस समाज के लोग कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, कैसे उनका उठना बैठना है, कैसे दिखाई देते हैं, उनके हाव भाव क्या है, वो सीधा फ़ोटो खींच लेता है, फ़ोटो खींच के लाएगा और अपना यहाँ पर रिसर्च करता रहेगा, उनके फोटो के आधार पे अपना सोचता रहेगा कि इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। यानी अब क्या है, अब आसान हो गया है, पहले लिखता था। ठीक, आगे देखिए, केवल कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्क पर व्यापक टिप्पणी यानी नोट पर आधारित लिखित था। यानी पहले जब कार्य क्षेत्र पर कोई शोध करता जाता था तो यह सिर्फ नोट पर लिखित होता था, यानी नोट कर लेता था, लिख लेता था। जैसे मैंने बताया कि आप झारखंड के आदिवासी इलाकों में रिसर्च कर रहे हैं, पहले वाले क्या करते थे, लिखते थे बैठ करके कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा लिखता था। ठीक है, नृवंश विज्ञान में वास्तविक नृवंश विज्ञानी माना जाता था। फिल्मों को दृश्य के क्षेत्र के नोट्स पर थोड़ा अधिक उच्चतर माना जाता था, यानी जो फिल्में होती थी, फिल्मों को थोड़ा उच्चतर माना जाता था। यानी जैसे मान लो कि किसी कहीं पर फिल्म बनी हो, किसी चीज़ पर फिल्म बनी हो, तो उसका उपयोग वो लोग कर लेते थे, लेकिन कहीं कोई दृश्य था उसको ज़्यादा नहीं मानते थे। चित्र देखने में तो दिलचस्प थे, लेकिन नृवंश विज्ञानी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त। पहले क्या था, जैसे दृश्य होते थे, दृश्य तो काफ़ी दिलचस्प होते थे, जिन पर शोध किया जा सकता था, जिनके जरिए हम रिसर्च कर सकते थे, लेकिन क्या था, ये नृवंश जो विज्ञानी थे इसको सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे। यह एक ऐसा रवैया था जो बहुत देर तक अपरिवर्तित रहा, ऐसे ही चलता। 1950 के दशक में मीड और जोन रीच जैसे अग्रदूतों ने नृवंश विज्ञान में सिनेमा के महत्व को सिद्ध किया और स्थापित किया। आगे चल करके जो जैसे आपको किसी चीज़ पर शोध करना है, रिसर्च करना है, तो आप उस पर फिल्म भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, या जो फिल्में बनी है उसके जरिए भी आप किसी समाज की व्याख्या कर सकते हैं या किसी समाज को समझ सकते हैं। फिल्मों के जरिए या वीडियोस के जरिए आप उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यह रोचक बात है कि यहाँ देखिए, यह रोचक बात है कि 1922 में एक खनन इंजीनियर रॉबर्ट ने नैकून ऑफ द ईयर का फिल्मांकन किया। एक रोचक बात क्या है कि खनन इंजीनियर था जिसने सबसे पहले क्या बनाया था, नैकू को ऑफ द ईयर का इसने फिल्में बनाई थी। हेड बे ने इनपुट में पर एक फिल्म देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, इसने इस जो फिल्म है इन्होंने लिंक भी दे रखा है यूट्यूब पर, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया था, पश्चिम समोवा में साइम पर एक फिल्म बनाई, मोआन का फिल्मांकन उस स्थान पर 300 मील कम की दूरी पर था। यह एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी था, मरेट मीड बीच फील्ड वर्क कर रहा था। नूनक का फिल्मांकन भी उस जगह पर बहुत करीब लाया था। यह
कार्य क्षेत्र था। मीड और दोनों ने फिल्मों का कोई महत्व नहीं देते थे। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मीड ने स्वयं नृवंश विज्ञान में संबंधी फिल्में बनाई और दृश्य के माध्यम से महत्व का हिमायती था, जैसा कि बाद में खंडों में चर्चा की। यानी कह सकते हैं कि जब रिसर्चर थे, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, वह जाकर समाज में फ़ोटो खींचना तथा उस समाज पर फिल्म बना लेना, फिल्में बना लेना, पहले बहुत फेमस नहीं था, बाद में धीरे धीरे कह सकते हैं लोकप्रिय होता चला गया। अगला जो रहेगा पॉइंट नंबर, इसमें देखो आगे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले तस्वीरें लेने और फिल्मों की शूटिंग करने वाले शामिल होते थे। नहीं, पहले अगर बात करोगे जैसे नृवंश विज्ञान में कहा था, वहाँ सबसे पहले तस्वीरें लेने वाले और फिल्मों की शूटिंग करने वाले शामिल थे। हेडन ने 1898 में ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों के 4 मिनट की फोटो को शूट करने वाले पहले थे। यानी सबसे पहले अगर देखोगे, जो देखोगे कौन किसका, मैंने आपको नाम बताया है हेडन। हेडन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया समुदाय के ऊपर 4 मिनट का वीडियो शूट किया था। क्या किया था? इसने ऑस्ट्रेलिया समुदाय, ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी समुदाय था उस पर रिसर्च कर रहा था, तो इसने 4 मिनट का वीडियो को शूट करने वाले पहले लोगों में से थे। इस फिल्म का एक छोटा सा टुकड़ा है। वंटर स्पेंसर ने 1901 में इसका अनुसरण किया और मध्य ऑस्ट्रेलिया में अर्जेंट आदिवासियों की प्रथाओं पर फिल्म की शूटिंग की। यानी कह सकते हैं कि फिल्में बना करके या उनको दिखाने का प्रयास किया गया। फ्रैंक गिलन ने भी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की तस्वीरें ली और नृवंश विज्ञान की सामग्री एकत्र करने में उनकी गहरी रुचि थी। ऑस्ट्रेलिया में उनके अध्ययन के दौरान स्पेंसर गिलेन ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की तस्वीरें और फिल्मों में उनका सहयोग किया। उन्होंने एक मिलकर अरेंटर आदिवासियों की प्रथा और रीति रिवाजों पर 13 फिल्में बनाई। केवल मानव को विकासवादी पैमाने पर वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने में छवियों का प्रयोग किया गया, न कि नृवंश अध्ययन के। यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे आगे चल करके नृवंश विज्ञान में जो फिल्में थी, जो वीडियो थे, उनका धीरे धीरे महत्व बढ़ता चला जाएगा। यानी अब समाज को समझने के लिए फिल्मों का प्रयोग होने लग गया। अब जो साइंटिस्ट हैं या अनुसंधान रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं या जो रिसर्च हो रही है, अब उसमें फिल्मों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। यानी अब वो लोग फिल्मों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी समाज कैसा है, या वैसे भी आप सबने बहुत सारा सुना होगा सामान्य भाषा में, फिल्में जो होती हैं समाज का आईना है, क्या होता बोला जाता है, जो फिल्में होती क्या होती हैं, समाज का आईना होती हैं। यानी जैसा समाज होता है वैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, या जैसे फिल्मों में देखते हैं समाज वैसा ही है। तो ये लोग चीज़ों या प्रथाओं को समझने के लिए, बताने के लिए क्या करते थे, फिल्म बनाने का इन्होंने प्रयास किया। केवल मानव को विकासवादी पैमाने पर वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने के लिए छवियों का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था, विकास को बताने के लिए, विकास के डेवलपमेंट को बताने के लिए वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने छवियाँ जो होती उनका प्रयोग, ना कि उसमें क्या ध्यान देते। यानी किसी भी चीज़, पहले क्या होता था, विकासवादी पैमाना, यानी भैया जो मनुष्य है उसका डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ इसके लिए ही नृवंश विज्ञान में फोटो का प्रयोग होता रहा था। फिल्मों की नूतनम तथा फिल्मांकन उपकरण की महंगाई ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दृश्य विधियों की आलोक, क्या होगा जब 19वीं शताब्दी आती है, ठीक है, क्या होता है जब 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है या 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, जो फिल्में थी वो बनाना थोड़ा महंगा हो गया। नहीं, अब नृवंश जो विज्ञानी है उन्होंने फिल्में बनाना जो था उसको छोड़ दिया। भाई धीरे धीरे चीज़ें महंगी हो जाए, अब फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, यानी फिल्में बनाना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गया। दूर दराज के स्थानों में कार्य क्षेत्र करते समय उपकरणों की खराबी से निपटना भी एक व्यवहारिक समस्या थी। अब क्या था, जो कहीं पर अगर काम करते थे, जो उपकरण होते थे बहुत जल्दी खराब, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता था। जैसे आपको मान लो कि जैसे आप रिसर्च करते थे, पहले पेज पर लिख करके लाते थे, रिसर्च करते थे, लेकिन अब क्या करना, आपको फिल्म बनानी है, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता था, बहुत महंगाई का काम होता था, वह धीरे धीरे क्या हो गया, मुश्किल था। नहीं, उनकी क्या होता था, दूसरा जो उसमें फिल्म बनाने के उपकरण लेकर का कोई जो टूल है वो ख़राब हो जाता था। मैं ये आप सिंपल है, फिल्म बनाने के लिए आप कोई भी चीज़ लेकर के आएँ वो ख़राब हो जाती थी, खराबी निपटना एक व्यवहारिक समस्या थी। उपकरण भारी थे और उन्हें संभालना मुश्किल था। फिर क्या था भाई मेरे, अगर उपकरण जो थे वो क्या थे, बहुत भारी होते। पहले क्या था, आप सबने सुना होगा टीवी इतना बड़ा आता था, या कैमरे इतने बड़े बड़े आते थे, यानी उनको संभालना बहुत कठिन था। उदाहरण के लिए किसी नृत्य के फिल्मांकन में यदि
नर्तक कैमरा रेंज के बाहर चला जाता है तो कैमरा सभी प्रकार की गतिविधियों को कैप्चर करने में असमर्थ हो जाएगा। आप सबने सुना होगा कि मान लीजिए आप कोई आप कैमरा आपका ठीक है, कोई डांस कर रहा है उसकी वीडियो बना रहे हो, जब वो कैप्चर यानी जो कैमरे का रेंज है अगर उससे बाहर चला जाए तो कैमरे में वो आएगा नहीं। यही बता रहे हैं कि अगर वो नृवंस विज्ञानी अगर समाज में किसी फ़ोटो को अगर क्लिक करने का प्रयास करते थे तो आदमी अंदर चला जाता था, बाहर चला जाता था, या वो कैप्चर करना सभी गतिविधि कैमरे में सभी गतिविधियों को कैप्चर करना या उसमें रिकॉर्ड करना आसान नहीं था या समर्थ था। लोगों ने अक्सर तस्वीरों के लिए पोज देना बंद कर दिया। आगे चल करके क्या होगा भाई मेरे, जो लोग होते थे उन्होंने तस्वीरें देना पोज देना बंद कर दिया। पहले जो लोग थे वो क्या थे, फ़ोटो वोटो दे दिया जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में क्या विकास होता है कि वो भाई हमारा प्राइवेसी है, हम फ़ोटो क्यों दें किसी को। यही धीरे धीरे लोगों ने अपनी तस्वीरें देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी व्यक्तिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनकी व्यक्तिकता या कह सकते हैं कि उनकी जो पब्लिक सिटी है या जो उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो मान सम्मान है फ़ोटो देने से ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार के मानव विज्ञानी प्राय ऐसी घटनाओं पर फिल्में और चित्र करते थे जिनका मंचन किया जा सकता। यानी ज़्यादातर जो मानव विज्ञानी थे ऐसी फिल्में ऐसे कह सकते ऐसी चीज़ों का मंचन करते थे जिनको चित्रों के माध्यम से मंचों पर भी चित्रित किया जा सके। यानी अनुष्ठान पाठ्य बनाम दृश्य क्या होता है, ज्ञान मीमांसी संबंधी चिंताओं ने भी दृश्य विधियों का उपयोग सीमित कर दिया। यानी आगे चल करके होता है जैसे ज्ञान के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में क्या रहा, जो दृश्य विधियाँ थी वह धीरे धीरे उनका प्रयोग क्या सीमित कर दिया। मानव विज्ञानियों ने महसूस किया कि दृश्य सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक जटिलताओं को चिंतित नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। कह रहे हैं कि जो दृश्य है ठीक है, जो फोटो है जो वीडियो है वह सामाजिक क्या कह रहा हूँ, वह सामाजिक और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो जटिलता है उसको चित्रित नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो दृश्य होते हैं वह सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं को नहीं बता सकता है। भाई मेरे एक फ़ोटो को देख करके, एक फ़ोटो आप देख रहे हैं ठीक है, फ़ोटो में सब लोग हंस रहे हैं, क्या ऐसा कोई जरूरी है कि उनके जीवन में कोई गम ना हो या सब अच्छा ही हो। या फ़ोटो में हम जो देखते हैं जैसे इंसान दिखता है क्या वैसे रियल में होता है, क्या उसके जीवन में कोई गम नहीं होता है, होता है ना। यानी कह रहे हैं कि मात्र सिर्फ हम दृश्यों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं को नहीं समझ सकते, उसको चित्रण नहीं कर सकते हैं। दृश्यों को उन जटिल संरचनाओं के लिए अपर्याप्त विकल्प माना था जिन्हें लिखित ग्रंथों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यानी जिन चीज़ों को लिख करके समझा जा सकता है समझा जा सकता है उनके लिए फिल्मों को क्या होता है अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। फिल्म और दृश्य को मानव विज्ञानियों की सत्ता का अमूल्यन करने वाला माना है। जो फिल्में होती थी जो दृश्य होते थे उसमें जो मानव विज्ञानी होते थे सत्ता का वह मूल्यांकन करने वाला ही समझा जाता है क्योंकि दर्शक जो होते हैं छवि चाहे किसी की हो अपनी तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। देखो जो फिल्में होती हैं जैसे कोई फिल्म बनी सुना जैसे कोई मूवी है तो मूवी देखने गए हो, मूवी को देखने के बाद तुम अपने अकॉर्डिंग अपना अनुमान लगाओगे भैया ऐसा क्यों रहा वैसा क्यों रहा। यानी जो दर्शक यानी जो फिल्में होती हैं उसमें क्या होता है दर्शक अपने अकॉर्डिंग अपना अनुमान लगा करके कुछ ना कुछ सोचने की स्वतंत्रता है। लेकिन जब रिसर्चर है जो शोध करने वाला है जिसने शोध करके लिख करके बताया है और उसका निष्कर्ष बताया है तब उसमें जो पाठक होगा या जो दर्शक होगा जो उसको पढ़ रहा बुक को वह अपनी चीज़ों को उसमें स्वतंत्रता जोड़ नहीं पाएगा। जैसे आप किसी मूवी के देखते हो या युद्ध पर है या किसी चीज़ पर है भैया किसी चीज़ पर हमारी किसी समाज की समस्या पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें जो दर्शक होता है वह अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या कर लेगा। लेकिन अनुसंधान जो होता है जो रिसर्च होता है उसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है अपने निष्कर्ष को भी लिखता है। इससे क्या होता है जो आम जनता होती है वह अपने स्वयं ही किसी चीज़ को यानी करती कि उसका मतलब क्या है बल्कि वो स्वयं बताता है। नृवंस विज्ञान में प्रत्यक्षवादी सैद्धांतिक अभिन्यास को देखते हुए वैज्ञानिक यानी मानव वैज्ञानिकों के स्वर को अधिकार और ज्ञान को स्वर माना जाता है। प्रत्यक्षवादी अभिन्यास वाले मानव विज्ञानियों के फिल्म की तुलना में तस्वीरों को यानी जो मानव विज्ञानी होते थे मानव विज्ञानियों की तुलना में जो प्रत्यक्षवादी होते थे उन्होंने क्या किया मानव विज्ञानी फिल्मों की तुलना में तस्वीरों को प्राथमिकता देना प्रारंभ। आगे चलकर क्या होता पहले जो भाई मेरे फिल्में होती थी उसका ज़्यादा प्राथमिकता देती थी अब तस्वीरों को प्राथमिकता मिलने लगी। उन्होंने एक
परिष्कृत करना शीर्षक देना पुनः शीर्षक देना संभव था। ऐसा समझा जाता था कि पहले से ली गई तस्वीरों के एक उद्देश्य और वास्तविक यथार्थवादी चित्रण करने के लिए पुनः ग्रहण किया जा सकता है। उपशीर्षक के माध्यम से मानव शास्त्रियों ने अर्थों में दर्शकों को पहुँचाया। इस प्रकार उन्होंने मनोविज्ञानी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं मिली। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है आपको कि जो फिल्मांकन होता था उसमें जो शीर्षक है या पुनः शीर्षक देना है, उन चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। यानी सैद्धांतिक रूप से मनोविज्ञानी क्या कर सकता था, स्वर के अधिकार था, उसके ज्ञान के स्वर को माना जाता था। प्रत्यक्षवादी जो होते थे वो मनोविज्ञान की फिल्म प्राथमिकता उनको ज़्यादा मिलती थी, इस प्रकार से बता रहे हैं। यह समझा जाता था कि फिल्में तो तभी काम करेंगी जब उनके साथ मनोविज्ञानी व्याख्या नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपने कोई फिल्म बना दी और फिल्मों के माध्यम से अगर आप समझाना चाहते हैं कि हमारा समाज कैसे है या हमारा समाज कैसे देखता सोचता है, सिर्फ आप फिल्में बनाने देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो समाज होगा वह उसकी व्याख्या स्वयं अपने प्रकार से ही कर लेगा। यानी क्या करें कि हमारा जो समाज होगा वह अपने मन से ही उसकी व्याख्या कर लेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई फिल्म बनाएं या अगर हम कोई वीडियो बनाएं या समाज को समझने की अगर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसके साथ हमें क्या पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक यानी नृवंस विज्ञानी के जो साइंटिस्ट उसको रखना पड़ेगा। 1992 के अंत तक मारेट मीड ने ट्रांस एंड डांस इन बाली जैसी फिल्मों की व्याख्या बहुत भारी था। जैसा कि मैकडोनल्ड ठीक है ने का तर्क है कि नृवंस विज्ञानियों में दृश्य विधियों के उपयोग में गिरावट मानव शास्त्रों के सिद्धांत में बदलाव है। अब वंशावलीय पद्धतियों और मौखिक अभिलेखों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मानवविज्ञानी रिकॉर्ड करने के लिए नोटबुक का प्रयोग करना नहीं, अब धीरे धीरे का भाई जो मानवविज्ञानी होते किसी चीज़ को अगर रिकॉर्ड करना चाहते थे वो क्या करते थे, नोटबुक का प्रयोग करना पसंद करते थे। अब कैमरा कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। वास्तव में ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों मानवविज्ञानियों द्वारा नृवंश विज्ञान में मोनोग्राफ में तस्वीरों का प्रयोग, यानी अब मोनोग्राफ में क्या होता था, तस्वीरों का चित्रण प्रयोग नहीं किया गया, तस्वीरें केवल संग्रहालय तक ही। आगे चल करके अगर देखोगे तो नृवंस विज्ञान में जो फोटो होती थी, जो इमेजेज होती थी, उनका प्रयोग नहीं रहा। अब उनका प्रयोग धीरे धीरे घटता चला जाएगा। क्या होगा, उनका प्रयोग धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब वो लोग क्या करते थे, नोटबुक रखना पसंद करते थे। यानी कह रहे हैं कि अगर हम फिल्में बना देंगे चीज़ों को समझने के लिए, तो जो इंसान होगा वो अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या स्वयं कर लेगा। जब तक हम उसका कोई हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे उसका निष्कर्ष, तब तक व्यक्ति जो होगा वो अपने ही अकॉर्डिंग उसका निष्कर्ष निकालता रहेगा जो उसके मन में आएगा। यानी हमें एक नृवंश विज्ञान में क्या करना पड़ेगा, अगर फिल्में बना रहे हैं तो उसके साथ मानव विज्ञानी को रखना पड़ेगा जो उन दृश्यों की व्याख्या करता चला जाए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर वो नहीं रहेगा व्याख्या करने वाला तो समाज में कोई, आप सिंपल सी बात करो, अगर आप लोग कोई वीडियो देखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं ऐसा हो रहा है वैसा, लेकिन अगर कोई साथ में बताने वाला होगा तो आप सही निष्कर्ष पर ही हमेशा पहुँचेंगे, कभी भी गलत निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। अगला क्या रहेगा इसमें देखोगे, मारेट मीड का योगदान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन के लोगों के बीच मीड और बेटसन के अध्ययन ने इस दृष्टिकोण में एक बदलाव चिन्हित किया। फ्रेंच बोस और हेस्पेंसर ने प्रत्यक्षवादी मानव शास्त्रियों की परंपरा में मीड का मानना है कि कैमरा उद्देश्यपूर्ण था। वो मानते जो कैमरा हो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने तर्क दिया कि कैमरे की भूमिका खगोल विज्ञान में दूरबीन की तरह है। यानी कहता था जो कैमरा है ठीक है, जिस प्रकार खगोल विज्ञान में दूरबीन की भूमिका है भाई मेरे, उसी प्रकार से नृवंश विज्ञान में तस्वीरों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। खगोल विज्ञान का मतलब था अंतरिक्ष विज्ञान, जो आसमान होता ना उसी को बोलता है, हिंदी बोला जाता खगोल विज्ञान। ठीक है, जो खगोल विज्ञान होता है, खगोल विज्ञान में यानी जो भाई मेरे जैसे चंद्रमा है, आकाश कैसा है, तारे कैसे हैं, इनका जो लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनके लिए क्या दूरबीन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से कह रहा है कि जो नृवंश विज्ञानी हैं उनके लिए जो दृश्य हैं, जो फोटो हैं, जो वीडियो है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से इसको बता रहा है। उसने तर्क दिया कि कैमरे में खगोल विज्ञान में दूरबीन की भूमिका की तरह है। उनके वास्तविक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे का उपयोग, नहीं कह रहा कि अगर हम कभी भी शोध कर रहे हैं, कभी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी घटनाओं को रिकॉर्ड करके हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिल्म निर्माण के लिए मीड का पद्धति संबंधी दृष्टिकोण था। यानी फिल्म निर्माण के लिए जो मीड है वो क्या, उसका दृष्टिकोण क्या था, जिसमें वह नृवंश विज्ञानी
फिल्म निर्माण में टीम और सूचनादाता के बीच संबंध महत्वपूर्ण, यानी कहता है कि फिल्म जो जो फिल्म निर्माण टीम है, जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो सूचनादाता, उनके बीच क्या है, संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह कुछ मायनों में समतुल्य है, सूचनादाता के दृष्टिकोण से शामिल करने की एक संकेत है। मीड ने तर्क दिया कि फिल्म निर्माण में फिल्म निर्माता के दृष्टिकोण को अनदेखा करना मुश्किल, यानी कह रहे हैं कि अगर फिल्म निर्माण किया जा रहा है तो जो फिल्म निर्माता है उसका दृष्टिकोण जरूर है। जैसे आप किसी मूवी को बना रहे हैं तो किसी भी चीज़ के पीछे आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, वो जरूर दिखाई देगी। हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी फिल्में बनी हैं, अगर हम उनके जरिए अगर समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो जिस व्यक्ति ने फिल्म बनाई है, जो उसका प्रोड्यूसर है, उसका ही दृष्टिकोण उसमें दिखाई देगा, यानी उसका ही दृष्टिकोण को अनदेखी करना मुश्किल होगा। हालांकि उनका मानना है कि फिल्मों को योजना और संपादन की प्रक्रिया में सूचना, यानी फिल्मों में अगर देखोगे जो फिल्म की जो योजना है, जो संपादन है, उसकी प्रक्रिया में जो सूचनादाता है, यानी भैया जो बोल रहा है फिल्म बनाने के लिए, जिसने रिसर्च किया है, सूचनादाता को शामिल हो सकता है। बली ने अपने अध्ययन के लिए, उन्होंने सहायक और आलोचक दोनों रूप से कार्य करने के लिए बली में निवासियों को ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। आगे देखिए, मीड के लिए फिल्मों का मूल्य यह था कि उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन सामग्री के द्रव्यमान को, यानी कह सकते हैं मीड क्या कहता है कि जो फिल्में हैं उसे हम वस्तुनिष्ठ रख सकते हैं, उसमें अपनी चीज़ों, यानी हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं, दृश्य हों या फोटो हैं, उनमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसका सिद्धांत में परिवर्तन में पुनः विश्लेषण किया जाता। उसका मानना है कि संस्कृति परिवर्तन और संस्कृति के कुछ पहलू हैं, जैसे नृत्य अनुष्ठान को रिकॉर्ड करने में फिल्म शब्दों से बेहतर है। कह रहे हैं कि अगर हमें संस्कृति कैसे बदल रही है, संस्कृति में कौन कौन से पहलू हैं, इसके लिए हमें अनुष्ठानों को रिकॉर्ड करने में फिल्म शब्दों से बेहतर है। मीड ने अनुसार चित्रण, यानी फोटोग्राफी और फिल्मांकन कौशल का अभाव हतोत्साहित करना करने वाला है, यानी कहता है कि जो मीड कहता है कि जो फिल्मांकन है, जो फोटोग्राफी है, उसमें जो कौशल है, फिल्मांकन का जो कौशल है, उसका जो अभाव है, उसको हतोत्साहित करने वाला नहीं होना चाहिए। इसकी भरपाई एक कुशल कैमरामैन कर सकता है, यानी कह रहा है कि अगर आप फिल्में बना रहे हैं तो अगर उसका जो कैमरामैन सही नहीं है तो आपका काम नहीं। अगर एक कुशल कैमरामैन रहेगा तो उसके उपयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नृवंश विज्ञान द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, या वो इस बात को कहता है। 1942 में पहली बार क्या था, 1942 में पहली बार मीड और बेटसन कौन है, 1942 में पहली बार मीड और बेटसन का अध्ययन, हालांकि नृवंश विज्ञान में ऐतिहासिक घटना थी, किंतु रिकॉर्ड के रूप में तस्वीरों का उपयोग आगे नहीं बढ़ सका। यानी कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग तो ज़्यादा थी, रिकॉर्डेड तो था, लेकिन नृवंश विज्ञान में तस्वीरों का महत्व आगे नहीं बढ़ा। मीड का मानना कि कैमरा दीवार पर बैठी मक्खी जैसा है, यानी मीड क्या कहता है, मीड का मानना क्या है, जो कैमरा है वो दीवार पर बैठी मक्खी जैसा है, जिसे एक बार स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए स्थानांतरित किया गया तो स्वप्रच्छन्न अदृश्य रहता है। हालांकि मीड ने सूचनादाता को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया है, लेकिन उसके अध्ययन में सूचनादाता का मतलब था जो इन्फॉर्मेशन दे रहा, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारा शोध किया है, शोध करने के बाद जो फिल्म बनाए लोग हैं उनको बताता है, तो सूचनादाता जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रेखांकित किया है। लेकिन उसके अध्ययन ने सूचनादाताओं को, यानी उसका जो अध्ययन है, उसका क्या है, जो अध्ययन है उसके जो सूचनादाता है उसके दृष्टिकोणों और उनकी संस्कृति के बारे में सूचनादाता की अपनी समझ को प्रतिबंधित नहीं किया, यानी सूचनादाता की जो समझ है उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यानी कहता कि अगर फिल्में बनाई जाती हैं या फिल्में बनती हैं तो उसमें जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है, उसका भी उसका जो मत उसमें जरूर शामिल हो जाएगा, इसलिए उसका मत को शामिल ना किया जाए। यानी नृवंश विज्ञान, यानी जो पूरी बुक चलेगी, अगर हमें समाज को समझना है, अगर हमें समाज को समझना, समाज में कैसी सभ्यता है, कैसी संस्कृति है, कैसा खान पान है, कैसा पहनावा है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो का प्रयोग कर सकते हैं, दृश्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए जब हम दृश्यों का प्रयोग करेंगे तो हमें इसको बोलेंगे, बुक का नाम क्या है, दृश्यों के माध्यम से समाज। क्या कह रहा है, बुक का नाम क्या है, दृश्यों के माध्यम से समाज। यानी हम दृश्यों के माध्यम से, यानी जो दृश्य हैं, जो फोटो हैं, वीडियो हैं, उनके जरिए हम समाज को समझने की बात करेंगे। इसी में नृवंश विज्ञान रहेगा, जिसके जरिए हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझ रहे हैं और चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक पॉइंट जो बचा हुआ होगा उसको भी मैं आपको करवा दूँगा।
ठीक है, सिद्धांत और फिल्मांकन में बदलाव के तरीके क्या हैं, यानी सिद्धांत और फिल्मांकन में जिस प्रकार से बदलाव आ गए, जिस प्रकार से तरीके बदल रहे हैं, तो इसको भी हम कर लेंगे जो 1.4 बचा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1.4 बचा रहेगा इसको, और 1.5 अगली क्लास जब रहेगी उसमें मैं आपको ज़रूर डिटेलिंग बता दूंगा। इससे पहले जो मैंने कल वाली क्लास बताई थी उसमें भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, ठीक है, तो बाकी इसमें जो रहेगा इसको कल देख लेते हैं, ठीक है।